वृन्दावनेश्वरी तवैव प्रे प्रेमामृतैकमकरन्द रसौ हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत्परमु शीतलमाश्रया परम शीतल माश्रय प्रेमु किरासिरो प्यारो प्रे किराषि शामरो प्यारो नेक चित द्रग कोर कुरी की भूले अंगनी अंग संभारो भूले अंगनी अंग संभारो प्रेम राशि सामरो प्यारो वृंदावन अद्भुत रजधानी संपत्ति सहित अपन पोहा प्रेम का जब हृदय में प्रकाश होता है तो प्रीतम के शिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगता जब तक कोई वस्तु व्यक्ति स्थान अपने प्यारे के शिवा अच्छा लगता है तब तक अभी प्रीतम का वर्ण नहीं हुआ और हृदय में प्रेम प्रकाशित नहीं हुआ प्रभु सर्वलोक महेश्वर हैं, ईश्वरों के ईश्वर हैं, पर उन्हीं के हृदय का जो मूर्तिमान प्रेम श्री प्रियाजू हैं, इनकी रूप माधुरी का अवलोकन करके सच्चिदानंद विग्रह अपने स्वरूप को भूल जाते हैं प्रेम का कैसा प्रताप है कि प्रभु अपनी महिमा को भूल जाते हैं ये तो बात है ही पर वो अपने आप को भूल जाते हैं और अपने श्री अंगों के वस्त्र आभूषण आदि की संभाल भी नहीं रह जाती है और अनंत ब्रह्मांडों का स्वामित्व सर्वस्व विस्मरण करके प्रियाजू के अधीन हो जाते हैं यद्यपिशकल लोक चूड़ामणि दीन अपन पोमाने तो कह रहे हैं यदि आपको वृंदावन का आश्रय मिला है तो ये प्रिया प्रीतम का निज महल है ये राजधानी है श्यामा श्याम की यहां अपने तन प्राण धन इनकी आशक्ति का त्याग करने पर ही प्रेम का प्रकाश होता है कह रहे हैं वृंदावन अद्भुत रजधानी संपत्ति सहित अपन पोहारो जहाँ जहाँ चरण धरत सुकुमारी सोमग दृग अंचलन संवारो प्रेम राशि सांवरो प्यारो यदि प्रेम प्रगट हृदय में हो जाए तो स्वयं ऐसी स्थिति हो जाती है पर प्रेम प्रकाशित होने के लिए कहीं भी अपनापन नहीं रह जाना चाहिए यही साधना है संपत्ति का बल शरीर का बल सुहृदजनों का बल विद्या का बल ये सब हमारे प्रभु के प्रेम में बाधक है जब गुरु कृपा उदय होती है तो इन बलों से हमारा आश्रय हट जाता है अगर इनमें से कोई भी बल है तो प्रभु का दृढ़ आश्रय नहीं होगा तो प्रेमी नहीं होगा अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम दाम माने धन शूर किशोर कृपा ते हारे को हरिनाम जो इन बलों से अपनापन हटा ले वही नाम जाप भगवत प्रेम का अधिकारी होता है तो स्वयं अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी होकर अपने ब्रह्मांड पति का भाव छोड़कर हमारी प्रियाजू की अधीनता स्वीकार किए हुए हैं ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है ये तो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामित्व भूलकर अपने भक्त के चरण चापते पाए गए भक्त की लंगोटी धोते पाए गए भक्त का रथ आंकते पाए गए ये ऐसे प्रेमी हैं, फिर प्रियाजू तो साक्षात लालजू के ही हृदय का मूर्तिमान प्रेम है तो यहां भाव यह आता है कि जब आपको प्रेम प्राप्ति की लालसा रसिकों के संग से प्रकट होगी तो किंचिन मात्र कहीं अहम नहीं रह जाएगा अपनापन नहीं रह जाएगा संपूर्ण अहम और अपनापन अहम का तात्पर्य होता है अहंकार मैं विद्वान मैं धनवान मैं कुलवान मैं रूपवान मैं ज्ञानी मैं ये ये जो मैं मैं प्रियाजू के चरणों में अर्पित हो जाए तो प्रेम का प्रकाश हो जाए प्रेम प्रकाश जहां हमारी प्यारी जो चरण पधराती लालजू मानो अरविंदाक्ष कमल नयन मानो अपने नेत्र रूपी कमलों के वहां पावड़े बिछा देते हैं जैसे भरत जी से वशिष्ठ जी आदि महापुरुषों ने कहा कि तुम्हारे चरणों में छाले पड़ गए हैं थोड़ी देर के लिए रथ पर सवार हो जाइए आपको बहुत पीड़ा हो रही है तो भरत जी ने कहा जहां हमारे स्वामी सियाराम के चरण पड़े हैं वहां हम घोड़े की सवारी करके या रथ पे बैठ के जाए यही हमारी दासता है हम ऐसे ही हैं उचित तो ये है कि सिर भर जाऊं उचित सब ते सेवक धर्म कठोरा जहां हमारे स्वामी के चरण पड़े हैं वहां मैं सिर बल के बल जाऊं श्रीधाम वृंदावन प्रिया प्रीतम का निज महल जितनी दैन्यता आपके हृदय में होगी उतना ही अधिक आप यहां से पुण्य नाम बल भक्ति बल कृपा बल ये प्राप्त करके जाएंगे और यदि कोई भी अहंकार रखेंगे तो आपसे अपराध बन जाएगा और आप अपने सुकृत गवा कर जाएंगे अपराध लेकर जाएंगे इसलिए प्रभु स्वयं आचरण करके दिखा रहे हैं वो आचार्य हैं धन संपत्ति वैभव अखिल कोटि ब्रह्मांड पति का भाव त्याग कर हमारी प्रिया जू की अधीनता स्वीकार किए हैं, है जहां स्वामी जी के चरण पड़ते हैं वहां अपने नेत्र कमल के पावड़े बिछा देते हैं जहां जहाँ चरण धरत सुकुमारी सो मग दृग अंचलन सवारो और जैसे कोई किसी के पधारने के लिए सोहनी लगाता है तो लालजू मानो अपने पलकों की सोहनी लगाकर नेत्रों के पावड़े बिछाकर कर स्वामी जी का स्वागत करते हैं स्वामी जी का प्यार भरा हाँ पावड़े डालते ये भाव यहाँ हृदय का है हमारा हृदय इतना वृंदावन में अहम रहित दैन्य हो तो बहुत जल्दी प्रेम प्रकाशित हो जाए वृंदावन विधि बसे तजिक सब अभिमान तणते नीचो आपको सोई जाने वही प्रिया प्रीतम के महान रहस्य को जान सकता है जो यहाँ अभिमान रहित होकर रह रहा किसी भी तरह का कोई अभिमान नहीं भक्त का तो अभिमान रहने भी नहीं देते प्रभु मैं जितेंद्री मैं ज्ञानी मैं कुछ भी मैं तो वो फिर घुटने के बल आएगा गिरेगा एक बार और उसको अनुभव होगा वो रोएगा कि मैं कुछ नहीं हूं बस फिर उठ जाएगा नामे भक्ता प्रणश्यति भक्त का पतन तो नहीं होता पर पतन जैसा होता है अहंकार के कारण अहम रहित धाम का यदि वास हो तो बहुत जल्दी यहां लाभ प्राप्त होता है पर अहंकार बिना गुरुजनों की शरण में गए उनकी आज्ञा में रहे अहंकार नष्ट नहीं होता संस्कृति का मूल चक्र है देखो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है भय दीन रस रसिक सिरो मणि रंग मनोरथ करण विचारो नेक प्रसन्न होई रतिनागरी बिच बिच मोतन कर ही निहारो इतने बड़े हैं प्रभु कि जो भी बड़ा होता है इनकी बड़ाई से होता है वो दीन होकर प्रियाजू से याचना करते हैं प्रेम की और कहते हैं कि आप कृपा करके कृपा कोर करके हमारी तरफ देख लो बस कैसी दैन्यता प्रभु में है प्यारी जो से कहते हैं नेक प्रसन्न होकर हमारी तरफ कृपा दृष्टि से देख लो इनकी कृपा दृष्टि शिव ब्रह्मादि चाहते हैं ये प्रभु अपने महत्व को भूलकर प्रियाजू के प्रति इतना दैन्य होकर तब रस की याचना करते हुए कहते हैं मुझे रति प्रदान करो प्रेम प्रदान करो और कृपा कोर से कृपा कटाक्ष करते हुए हमारी तरफ देख लो भोहन भाई बिलोकत ए पल रही सकत न न्यारो हित हार श्रृंगार बनावत याही ते बाको व्रत धारो ये बाक्य बिहारी है तो इनका व्रत भी बांका है निराला ही है अद्भुत है ये प्रियाजू की रुचि लेकर के चलते हैं यहां भाव क्या दिखा रहे सेवक को अपने स्वामी की रुचि क्या है इस समय रुख क्या है मन मन की रुचि जान नेह विधि है इतनी बड़ी सामर्थ्य होती है अन्य सिद्धियों का त्यागी जो महान भगवत अनुरागी है वो अपने इष्ट देव की मन की बात जानकर उसके अनुसार सेवा करता है यही लालजू आचरण करके दिखा रहे हैं प्रियाजू के भावों की तरफ देखते रहते हैं उनके इशारे और उनकी, उनकी रुचि के अनुसार चलते हैं और अपने कर कमल से स्वयं श्रृंगार सेवा करते हैं और ये इनके परम सुख का स्वरूप है जब सखियां मना कर देती हैं कि ये हमारी सेवा है तो सखियों की चरण वंदना करते हैं कि आपको तो नित्य प्रियाजू की सेवा प्राप्त होती है आप कृपा करके आज मुझे प्रदान कीजिए वही सेवा वही नाम वही धाम वही प्रियाजू आचार्य कृपा से अपने को प्राप्त हुई है वही राधा नाम वही हमारी लाडलीजू वही हमारा वृंदावन धाम और वही सेवा पद्धति आचार्य कृपा से अपने जैसे अनाधिकारियों को प्राप्त हो गई है अब निष्ठापूर्वक नाम रूप लीला धाम का सेवन करें यह कलिकाल है इसमें ऐसी आंधी माया की चलती है कि वो जो जिससे हमारा परम कल्याण होना उसको ढक दिया जाता है वैसे इसे अज्ञान की आंधी कहते हैं पर लोकवत दिखाई देता है ज्ञान और जिससे हमें परम पद मिलता भगवत प्राप्ति होती है उसको ढक दिया जाता है और जहां हमें बार बार जन्म मरण का भटकाव ही मिले ऐसे हमें साधनों में लगाया जाता है यदि प्रभु का नाम जप नहीं है प्रभु के रूप का ध्यान नहीं है प्रभु की लीलाओं का गायन श्रवण नहीं है और प्रभु के प्रेमी जनों का संग नहीं है धाम का उनकी लीला भूमि का आशक्ति स्नेह हृदय में नहीं है तो सब धोखा है पक्का समझ लीजिए खूब साधन पथ पे चल के आपको ये बात बता रहे हैं निष्ठा निष्ठा किसे कहते हैं चाहे जितना भय या प्रलोभन हो अपनी बात से न डिगे उसे निष्ठा कहते हैं श्रीपाद कह रहे हैं वृंदावन की निष्ठा गुरु निष्ठा नाम निष्ठा प्रभु के लीला गुण श्रवण की निष्ठा या सेवा निष्ठा यही हमको प्रेम प्रदान करती है जिसका शब्द याद रखो निष्ठा यहां हो सब रहा है लेकिन निष्ठा किसी बिरले में होगी निष्ठा प्राण निकल जाए पर हमारी सेवा नहीं छूटेगी अगर प्राण है तो सेवा होगी अगर नाम चल रहा है तो प्राण चल रहे नाम छूटा तो प्राण छूटे इसे नाम निष्ठा कहते हैं गुरुदेव की सेवा है तो गुरु निष्ठ जीवित है गुरुदेव की सेवा नहीं तो गुरु निष्ठ है ही नहीं उसका अस्तित्व नहीं, नहीं कुछ महापुरुषों ने जे ही सुना कि महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो अंतर ध्यान हुए गुरु निष्ठावान तो सुनते ही बस मुंह बगर गया नेत्र खुले रह गए प्राण निकल गए कितने ऐसे महापुरुष महाप्रभु चैतन्य देव विलीन हो गए श्री जगन्नाथ जी में कितने महाभागवत तत्काल प्राण त्याग दिए अपने गुरुदेव के प्रति ऐसी निष्ठा या नाम के प्रति निष्ठा या इष्ट देव के प्रति सेवा की निष्ठा ये बड़ी दुर्लभ है और निष्ठा प्राप्त हो गई तो अजित भगवान को जीत लिया ये निष्ठा कैसे मानी जाएगी कि हमारे हृदय में आ रही है लोका स्वच्छंद निंदा विदि यदि में किम दीन दीनम यदि हमारी लोक में निंदा हो रही है खूब स्वच्छंद रूप से फिर भी हम अपनी भक्ति को न छोड़े ऐसा ना सोचे कि मेरी भक्ति में कोई त्रुटि है क्या लोग हमारा उपहास करते हैं हमारी निंदा करते हैं हमारा अपमान करते हैं सच्ची मानिएगा निंदा अपमान तिरस्कार ये भगवान की प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है उसे शायद आप ना समझ पाए कि तिरस्कार अपमान और निंदा कैसे आवश्यक हो सकती है क्योंकि जो हमारा शरीर राग है और अन्य भरोसे हैं ये तभी नष्ट होते हैं जब ठोकर लगाई जाती है अगर चिंतामणि ने धक्का मार करके बिल्लो मंगल को बाहर न कर दिया होता घर से कि आज के बाद दोबारा हमारे सामने मत दिखाई देना अत्यंत आशक्त कोई प्यार करने वाला ही जानता है कि जहां से उसको प्रेम की दृढ़ आसक्ति हो गई जब उसकी ठोकर लगती है संसार नहीं जानता उसका हृदय प्राणों का त्याग देना अच्छा समझता है जीना अच्छा नहीं समझता बिल्व मंगल जी जब कट व्यवहार चिंतामणि का हुआ तो उनका राग ढीला हुआ तिरस्कार अपमान धक्का लगा के बाहर निकालो इसको बाहर और उनके प्रति प्राण समर्पित प्यार जो सरल हृदय के होते हैं वो छल कपट का प्यार नहीं करते हैं सीधा हृदय से प्यार करते हैं और जो बौद्धिक स्तर के लोग होते हैं वो बुद्धिमानी से वो प्यार नहीं करते वो अपनी वासनाओं की पूर्ति की बात सोचते हैं जो सहृदय होते हैं वो आशक्त हो जाते हैं और आसक्त चित्त का मोड़ होने के लिए अपमान तिरस्कार बहुत जरूरी है और जो बौद्धिक स्तर से भोगों का भोग भोगते रहते हैं भगवान ही बचावे क्योंकि सहृदय तो है नहीं तो इनका अपमान भी होगा तो ये शांत होकर निकल जाएंगे और दूसरी जगह अपना भाव स्थापित करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनको किसी से प्यार नहीं उनको केवल वासनाओं का खेल खेलना होता है अगर ठोकर लगी तिरस्कार हुआ घर में तो कोई रहने गया था संसार में थी तो कोई चिंता मणि बस दूसरा नहीं परिणामतः संत शरण ये होती कृपा संसार का ठुकराया हुआ जीव फिर भगवान उस पर कृपा करते हैं और साधु समागम देते हैं ऐसा चित्त प्रभु में लगाया भूल गए चिंतामणि के आंतरिक वियोग को क्योंकि परम चिंतामणि तो भगवान है श्री कृष्ण चंद्र जो पर पूर्वाभ्यास फिर परेशान करता है ऐसा नहीं कि भजन करने लगे तो वासना दब गई तो मिट नहीं गई वो अंदर इसीलिए इस चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए उपासक कभी अपने को ऐसा न समझे मैं विकार विजयी हो गया हूं बिल्व मंगल जी ऐसा विराग्नि जगा कि अब वृंदावन चलूं श्री कृष्ण के चरणारविंद से चिन्हित ब्रजभूमि में उनका गुणगान करते हुए नाम जप करते हुए वही प्राण त्याग दो प्राण त्यागने का मतलब है आजीवन ब्रजवास इसे कोई शरीर पूर्ति वाली बात में ना ले जाए गुरु आश्रम से प्रणाम करके चल दिए एक आश्रम रास्ते में मिला वहां रात्रि व्यतीत की सुबह स्नान करके अपनी दिनचर्या कर रहे थे कि अचानक एक नौ बधू वही ठाकुर जी का पूजन करने आई हुई थी बहुत सी माताएं बहने गांव के आसपास जो मंदिर होते हैं उनके दर्शन निमित्त जाती हैं पूजन करते हैं बड़ा सरोवर था देव मंदिर उसके चेहरे की बनावट पूरी चिंतामणि जैसी थी जी ही देखा पूर्वाभ्यास हा चिंतामणि प्रेम हृदय का विषय होता है और हृदय द्रवित होकर जिसे पकड़ लेता उसे छोड़ना बड़ा कठिन होता है दबाव हो गया था श्री कृष्ण कृपा से वो दब गए थे चिंगारी ज्वाला बन गई चिंतामणि रूप देखा चिंतामणि जैसा पीछे लग गए भूल गए श्री कृष्ण को ये ये शिक्षा लेने लायक है इसीलिए कहा गया नेत्र संभाल कर किसी के चरणों की तरफ देखो सहसा मुख की तरफ मत देखो जो चाहे आपन कल्याणा सुजस सुमति शुभगति शुभ नाना सो परनार लीलार गुसाई तजो चौथ के चंद की किनाई सहसा माताओं बहनों के मुख की तरफ मत देखो उनके चरणों की तरफ देखो तो बच जाओगे पीछे लग गए उसने देखा कि कोई वैष्णव है साधु है पीछे आ रहा है पर इसकी दृष्टि ठीक नहीं माताओं बहनों में एक सामर्थ होती है एक ही दृष्टि में पता चल जाएगा ये व्यक्ति दूषित भाव से देख रहा है या निर्मल भाव से देख रहा है अपनी चाल और बढ़ाई तो बिलु मंगल जी पीछे दौड़ने लगे प्रेमियों को किसी की परवाह नहीं होती उसका मोड़ है किधर हो जाए बहुत संभाल की सी लिखा है कि प्रेम पंथ में चलने वाला कोई बिरला ही बहादुर होता है चढ़ के मैन तुरंग पर चलबो पावक माए प्रेम पंथ अति कठिन है ये सबको निभतना है मोम के घोड़े पे चढ़कर आग की ज्वाला से निकलना कितना कठिन है मोम आँच लगती पिघल जाएगी द्रवित हृदय से इस संसार की ज्वाला में निकल जाओ और कहीं तुम्हें राग ना होने पावे द्रवित हृदय बहुत ही जिसका भजन के द्वारा हृदय द्रवित होता है वही जानता है प्रणाम है भरत जी को यह द्रवित हृदय का लक्षण है अपनी परवाह न करके अपने जीवन की परवाह न करके साधना की परवाह न करके हिरण के बच्चे को इतना प्यार देना अगर साधन की दृष्टि से देखो तो दोष हो गया ममता कर बैठे और करुणा की दृष्टि से देखो तो बलिहार है अपनी परवाह न करके एक बार प्यार किया हिरण के बच्चे से तो उसको परम पद प्रदान करके ही छोड़ा अगला जन्म वही रहुगण है ये जड़ भरत सिद्ध महापुरुष ब्रह्मबोध संपन्न तो वही मृग रहुगण है जिसको उपदेश करके परम पद में स्थापित किया छोड़ा नहीं फिर भी महापुरुषों की करुणा का क्या कोई पार पा सकता है अब वो हृदय द्रवित है चिंतामणि में आसक्त था तो वो छाप लग गई जैसे द्रवित मोम को जो आकार दो ले ले ऐसे बहुत संभाल के द्रवित हृदय को नहीं कहीं भी अगर अपनापन हो गया तो वो नहीं जानता कि उसका अपनापन कैसा है नहीं जानता वो हृदय से जो प्यार करने वाला होता है उसे लोक कुल वेद धर्म मोक्ष मर्यादा ये कुछ नहीं सुनाई देती सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता है तभी सुंदर दास जी ने प्रेमी की दशा को लिखा है न लाजती न लोकन की न वेद को कहो करे न संकभूत प्रेत की न देव जच्छते डरे सुने न कान और की दर्शन और इच्छना ये डर नहीं कि मैं किसी की बहु के पीछे जा रहा हूं मारा जाऊंगा कुछ नहीं पीछे पीछे जा रहे जल्दी से घर में गई और अब देखा पति तो पति से कहा कि कोई पीछे साधु वेश में है पर है गलत दृष्टि से तो आप देख लीजिए तो उनका आप धैर्य रखिए दरवाजे पर आया हुआ भगवान का स्वरूप माना जाता है हम एक बार इसका सम्मान करेंगे बाहर निकले प्रणाम मुद्रा में आज्ञा कीजिए कैसे आगमन हुआ उनका एक कौन है जो गई कहा हमारी अर्धांगिनी धर्म पत्नी बुले एक बार भर नेत्र देखना चाहता हूं ऐसा ही अपने इष्ट के लिए होता है कि चाहे हे प्रिया जो मुझे नरक भेज देना बस एक बार एक बार मैं आपको देखना चाहता हूं कि जिसके लिए जीवन अर्पित किया वो कैसे है एक बार आपको हो कि मैं आपका हूं एक बार स्वीकार कर लो बस प्रेमी का हृदय तड़पता रहता है वो बाहरी विषय नहीं होता वो अंतर का विषय होता है प्रेम एक पवित्र निर्मल होता है वही जब जगत की तरफ लगता है तो मलिन और काम कहा जाता है वही जब प्रभु की तरफ लगता है तो निर्मल और प्रेम उज्जवल कहा जाता है कहीं नया प्रेम नहीं होता कोई नई चीज नहीं है प्रेम वो है सबके हृदय में है उसी को हम विषयों में शरीरों में नाना प्रकार की कामनाओं में उस प्रेम को बांटे हुए हैं उसी प्रेम को बटोरने की बात साधना है भगवान भी कह रहे सबकी ममता ताक बटोरी सबकी जो प्रीति वृत्ति फैला रखी उसे समेटो मेरे चरणों में लगाओ वही उज्जवल प्रेम हो जाएगा जो राग है मोह है काम है आसक्ति है जगत में जो इस नाम से कहा जाता है प्रभु की तरफ जब इसे किया जाता है तो प्रेम कहा जाता है भगवान एक बार जिसे स्वीकार कर लेते हैं उसे कोई फंसा नहीं सकता पक्की बात है उस धर्मात्मा गृहस्थ ने धर्मात्मा इसलिए कि अगर कोई साधारण होता तो दो चार थप्पड़ मारता भगा देता आया है वहां से साधु वेश करके एक बार पत्नी को देखना चाहता है धक्का के भगा लेकिन वो धर्म को जानने वाला था दरवाजे पर आए हुए अतिथि का अपमान कर देने से सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं उसने कहा बिराजी आप हम तो आपके सेवक हैं अभी आपकी सेवा में उपस्थित होती है वो हमारी अर्धांगिनी आज्ञा का अक्षरसा पालन करेगी अंदर गए उन्होंने कहा कि आप आज्ञा तो कर रहे हैं पर उनकी दृष्टि पवित्र नहीं है उनका हम उपस्थित हैं पास में ही तुम चिंता मत करो अतिथि है अगर वो दर्शन की के केवल याचना कर रहा है तो हमें पूर्ण करने में कोई भय नहीं आगे अगर कोई चेष्टा करता है तो हम उपस्थित हैं फिर हम अपने धर्म की रक्षा के लिए जैसा प्रभु आदेश करेंगे वैसा करेंगे आप निर्भय रही है जब पति का ऐसा आदेश हुआ हो गई रूप दर्शन की आकांक्षा थी इसलिए यहां से करके गई हाथ जोड़ा और कहा क्या आज्ञा है आपकी कितने धर्मात्मा जन है नहीं ऐसी चेष्टा और तो फिर कट व्यवहार होना चाहिए क्या आज्ञा है आपकी अंदर आ रे नीच फिर प्राण प्यारे श्री कृष्ण से विमुख होकर फिर शरीर की तरफ ये ऐसा क्यों हुआ ये मेरे नेत्रों का दोष है इन दुष्ट नेत्रों ने फंसा दिया अब नहीं गा देवी एक काम करोगे मुझे दो सुई लाके दे दो तो क्यों पूछने की जरूरत ही नहीं थी पति से कहा ये दो सुई मांग रहे हैं दे दीजिए गृहस्थी में होती है दे दिया उनका हे श्री कृष्ण नेत्रों ने आपसे फिर पुनः दूर करने की कोशिश की इसलिए ऐसे नेत्रों को मैं नहीं रखूंगा जिन नेत्रों ने हमको फिर सांसारिक रूप की तरफ घसीटा वो आपके लिए मैं इनको नष्ट करता हूं सुई से आंखें फोड़ ली आप जागृत हुई दिव्य निष्ठा इसका भाव हम ये नहीं करें कि आप अपनी आंखें फोड़ लीजिए इसका भाव है कि जिसके द्वारा हमारे भजन में विघ्न पड़ जाए उसका हमें त्याग करना चाहिए जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग तजुरे मन हरि विमुखन को संग चाहे हमारी कोई वृत्ति हो हमारा कोई अंग हो चाहे हमारा कोई जन हो इस पे बर्दाश्त रहे त्याग उसी समय भगवत साक्षात्कार होता है जहां निष्ठा जागृत होती है निष्ठा समर्पण पूर्ण समर्पण अब उनका पूर्वाभ्यास तो था नहीं वृंदावन की तरफ चल पड़े एक लकड़ी लेके दे दी आंखों से रक्त गिरे उनका आप चिंता मत करो ये इन दुष्ट आंखों को ऐसा ही दंड मिलना चाहिए क्योंकि इन्होंने सर्वलोक महेश्वर परम सुंदर प्रभु को छोड़कर फिर संसारिक रूप में आ सकती अब नहीं चल पड़े तो मार्ग के किनारे एक कुआं था उसमें गिर गए अभ्यास तो था नहीं गिरे तो हा कृष्ण आवाज आई तत्काल बाबा लठिया पकड़ा विचार किया कि कुआं तो बहुत गहरा है लठिया पकड़ाने से क्या लेकिन कोई कह रहा है ऐसे पकड़ के ऐसे उठा लिया इतनी सुंदर सौरभ सुगंध हृदय में एक अद्भुत आनंद उन सोचा है कि छोटी सी लठिया और कुएं से निकाल लेना यह तो सिर्फ भगवान का कार्य है और ऐसी सौरभ ये तो ऐसा लगता है साक्षात श्याम सुंदर है लठिया के सहारे से हाथ तक पहुंचे पकड़ा हाथ भगवान ने छुड़ा लिया तो मुस्कुरा के कहा हाथ छुड़ाए जा निबल जान की मोह आप बलवान हो छुड़ा सकते हो लेकिन हृदय से जब जाओगे तो सबल हो तो जाओ बाहर से भाग जाओ लेकिन हृदय से निकल के जाओ तो तुम्हें बलवान समझ लू भगवान ने हाथ पकड़ लिया और स्वयं वृंदावन बिल मंगल जी को लाए अगर तिरस्कार ना हुआ होता चिंतामणि के द्वारा तो क्या उन्हें भगवत साक्षात्कार होता अगर गोस्वामी जी की पत्नी ने उनको ऐसे महामंगल में वचन जो कटु वचन थे ना बोले होते कि जितना तुम्हें इस चाम से प्रेम है अगर राम से प्रेम होता तो तुम भगवत प्राप्त हो जाते जगह जगह पर अपमान और तिरस्कार और निंदा ने भगवान की तरफ मोड़ करके भगवत प्राप्ति कराई है इसलिए उपासक को चाहिए लोका स्वच्छ निंदा विन्दधति यदि में किम ततो दीन दीनम सर्वम चेत सियात उमम ततो दुर्दशा किम यदि इस लोक में सब लोग मेरी निंदा करें ऐसा थोड़ी है कि सब निंदा ही करते हैं कभी ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ अगर दस निंदा करने वाले होते हैं, तो सौ प्रणाम करने वाले होते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि केवल प्रणाम करने वाले ही वो निंदा करने वाले ना हो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि केवल निंदा करने वाले ही हो प्रणाम करने वाले ना हो ऐसा होता है अगर आपके कुछ बड़ाई करने वाले हैं तो कुछ बुराई करने वाले हैं कुछ नमन करने वाले हैं तो कुछ अपमान करने वाले हैं परमार्थ के पथिक को उन दोनों में समान भाव रखकर चलना होता है अपनी निष्ठा में फर्क नहीं आने देना अगर निंदनीय आचरण है हमारा और फिर हमारी निंदा तो विचार करके निंदनीय आचरणों का त्याग कर दे फिर भी निराश नहीं होना कल संत भगवान पधारे हुए थे बहुत से सभा थी संतों की यही चर्चा जैसे पीछे एक साधक ने वृंदावन में कहीं मोबाइल से गलत देखने का अभ्यास बना लिया और उसे त्याग नहीं पा रहा था अब तो अब सत्संग था नहीं सत्संग हो तो फिर निकल जाएगा वो उसी में डूब गया और अपने शरीर को पूरा कर दिया अर्थात आत्महत्या कर ली एक बार बताया था सत्संग में वही प्रसंग थोड़ा सा छिड़ा भगवान विराजमान हजार बार अगर हम गिर जाएं तो भी हमें शरीर छोड़ने की बात नहीं सोचनी गिरता वही है जो दौड़ता है जो गिरे पड़े हुए हैं चली नहीं रहे वो क्या गिरेंगे साधक को हर गिरने में एक उपदेश मिलता है हमसे त्रुटि कहां हुई पर ये बल सत्संग से मिलता है यदि सत्संग मिले तो एक मिनट में ऐसे सब निराश नहीं होना किसी भी साधक को ध्यान रखना हमारा बल भगवान है कोई में त्रुटि है कोई अभिमान है किन इस कब अभिमाना सुखो वंशा कृपा निधाना बहुत ये गूढ़ बात है साधक में कहीं ना कहीं थोड़ा जितेंद्रियता का साधुता का दिव्यता का अभिमान हो जाता है उसका नाश करने के लिए उसको घुटने टेकने पड़ते हैं माया के आगे तब उसको लगता नहीं सर्वलोक महेश्वर भगवान ही मुझे चला रहे मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है कभी ऐसी किसी के साथ घटना घट जाए तो आपको प्राश्चित होगा क्योंकि भक्त हैं आपका हृदय जलेगा दंड मिलेगा निंदा होगी अपमान होगा लेकिन आपको निराश नहीं होना आपकी परम पदवी को कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता ये ध्यान रखना हमारे शब्द याद रखना कभी कदम पीछे मत चलाना आगे ही बढ़ाना संसार नहीं जानता तभी हम कहते हैं कि संतों के पास बैठकर जो सुना जाता है उनके अनुभव सुने जाते हैं शास्त्रों में तो सब लिखा ही है लेकिन जो शास्त्रों में लिखा है उसका उन्होंने साक्षात्कार किया है फिर अनुभव करके बोल रहे हैं। तो इस बात को समझे हजार बार त्रुटि हो जाए गलती हो जाए हम ये नहीं कहते गलती करो लेकिन हजार बार गलती हो जाए तो भी हमें प्रभु का मार्ग नहीं छोड़ना और अपने शरीर को किसी भी तरह से बाहरी दंड नहीं देना आंतरिक दंड देना है उपवास के द्वारा कम आहार के द्वारा परिक्रमा नाना प्रकार की तपस्या का अनुष्ठान करके भस्म कर दो अपनी वासना को और प्रभु को प्राप्त करो शरीर छोड़ने से आत्महत्या करने वाले की वो दुर्गति होती भूत बनता कोई भी हो चाहे वेश में चाहे गृहस्थ में हो पक्का समझना आत्महत्या करने वाले को भूत योनि की प्राप्ति होती है और बड़ी दुर्गति होती है उसकी एक बूंद पानी पीने को नहीं मिलता पानी की प्यास की कीमत वही जानते हैं जिनको प्यास होने पर पानी नहीं मिलता तुम क्या जानो एक बूंद पानी उस जीवात्मा को नहीं मिलता जो प्रीत योनि को प्राप्त होता है तो पागल बना घूमता है फिर किसी निकृष्ट आचरण वाले के ऊपर सवार होकर तब तो वो अपनी प्यास बुझाना चाहता है इसलिए इस मार्ग में चलने वाले पथिक को इतनी हिम्मत होनी चाहिए लोका स्वच्छंद निंदा बिंदी यदि किम दीन दीनम मैं दीन नहीं बनूंगा उस समय यह हमारी बात को पकड़ना हमारी निंदा हो रही तिरस्कार हो रहा अपमान हो रहा है अगर गलती नहीं हुई तो दीन बनने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं अगर गलती हो गई तो भी दीन बनने की आवश्यकता नहीं क्यों क्योंकि कुश्ती लड़ने वाला ही हारता है देखने वाले तो केवल तालियां बजाते हैं सदैव विजयी नहीं रहता कभी कभी दांव चूक जाता है दोबिया पछाड़ में गिरता है ऐसे ही है, हमारा युद्ध हो रहा है काम से क्रोध से लोभ से मोह से मद से मत्सर से ये क्या जाने संसारी क्या जाने मानो तीस वर्ष लड़ते हुए उसे ब्यत हो गए कभी घुटने नहीं टेका लेकिन अगले मिनट में चूक हो गई और घुटने टेक दिया अब संसार उस पराजय की निंदा करेगा लेकिन हम उस उपासक को सपोर्ट करते हुए हृदय से कहते हैं कभी नहीं घुटने टेका फिर खड़े हो और दौड़ प्रभु की तरफ देख तो संसार पर विजय प्राप्त कर ही लेगा नामे भक्ता प्रणश्यति ये जरूरी नहीं है कि हम अपने शरीर को त्याग दें क्योंकि ऐसी गलत ऐसे प्राय जिनको सत्संग नहीं मिलता ऐसा कर देते हैं निष्ठावान त्रिभुवन पर विजय प्राप्त करता है लोका स्वच्छंद निंदा विन्द चाहे कोई कितनी निंदा करे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना है और फर्क पड़ जाता है तब जब सत्संग नहीं मिलता यह हम आपको सत्य कहते हैं सत्संग में बड़ी सामर्थ्य है संतों के वचन अमोघ अमृत होते हैं सत्संग ही बचाता है संत वाणी ही उठाती है हमको नहीं तो कभी कभी ऐसी दशाएं जीवन में होती हैं कि साधक निराश हो जाता है।, है जिसको किसी को कट व्यवहार नहीं करते किसी से कोई मतलब नहीं रखते अपना लक्ष्य केवल फिर भी गाली दे रहे फिर भी ऐसे ऐसे षड्यंत्र रच रहे फिर भी प्रतिकूलता हे नाथ ऐसा क्यों हो रहा है ये कमजोरी हमारी है इस कमजोरी को संतवाणी दूर करती है पक्का जब जब जीवन में कहीं कमजोरी आई तब तब संतवाणी ने हमें उठाया संत संग ने हमें उठाया ये हमने जीवन में देखा है। कभी भी हम जहां निराश होने का अवसर आया वहीं संत भगवान पधारे और ऐसे वचन बोले कि हृदय गदगद हो कहीं भी कभी भी कोई भी घटना ऐसी जिसमें हम निराश हैं सामने देखा है कि संत भगवान खड़े हैं और कोई न कोई ऐसे वचन बोले जिससे निहाल हो गए तो सत्संग के द्वारा ही हमको ऐसी सामर्थ्य मिलती है कि हम निंदा को सह सके फिर कह रहे सर्वम चेता कुटुंब किमिव मम तत्व दुर्दशा किम मेरे परिवार के सब लोग मुझे छोड़ दें पक्का छोड़ देंगे क्योंकि जहां जहां राग है वो हरी हटाएंगे छोड़ देते हैं जब आप सच्चाई से भजन करोगे डरना मत सच्चाई का जब जिस दिन भजन होगा तो परिवार का राग छूटेगा पर परिवार में भगवत भाव रहेगा वही हम कह रहे हैं कि भगवत भाव से प्रीति करो राग पूर्वक नहीं राग का नाश राग होता है आंतरिक बड़ा सूक्ष्म होता है ततो दुर्दशा स्युस्तः क्यों सब पूरे परिवार के छोड़ दिए लोक में निंदा हो रही है और शरीर दुर्दशा को प्राप्त हो रहा है ये होता है ऐसी परिस्थिति आती है इसी में दिव्य शरणागति का उदय होता है दिव्य शरणागति जिसे भगवान की पूर्णता भगवान जिससे तृप्त हो जाते हैं शरणागति में वो शरणागति इसी में होती है लोक में निंदा हो रही, कहीं रहने का ठिकाना नहीं, नहीं, कोई भी प्यार करने वाला जिधर देखो तिरस्कार और कोई अपना सृष्टि में कहने वाला नहीं पूरी सृष्टि में कोई एक अपना कहने वाला नहीं ये स्थिति आती ही स्थिति उस समय आर्त भाव से जो होता है वो शरणागति जैसे गजेंद्र को कोई अब सहयोग देने वाला नहीं अगले झटके में डूब जाएगा अब याद आई हरि अब वो शरणागति एक सेकंड नहीं लगा भगवान उपस्थित हो गए ए हमारी बात समझना ये शरणागति पढ़ लिख के नहीं होती ये परिस्थिति पैदा की जाती जैसे अभी एक उपासक घर बार त्यागी वैरागी बड़ा ही सेवक भगवत मार्ग का पथिक कुछ दिनों से साधारण शरीर में अव्यवस्था हुई और कल फाइनल हो गया कि गलित कुष्ठ बहुत पुराना प्रारब्ध जागृत होता है जैसे भीष्म जी छह महीना बाणों की शैया पर बाल ब्रह्मचारी नैष्ठिक परम तप में युक्त ऐसे ही जब हमारी भगवत प्राप्ति का योग बनता है पक्का दिमाग में बैठा लो कल या परसों कह रहे थे कि एकांत में सोचा करो कभी कभी कि अगर हमें कैंसर हो जाए तो हमारी आंखें फूट जाए तो और कल ही आ गया रिपोर्ट क्या एक साधक को गलित कुष्ठ हो गया है ये हम इसीलिए तैयार करते हैं जैसे आर्मी के नहीं तैयार करते हैं। कि अगर कीचड़ में फंस गए तो कैसे निकलना है पहाड़ में फंस गए तो कैसे चलना है कैसे आपको चढ़ना है कैसे दौड़ना है ऐसे ही परमार्थ की ट्रेनिंग है आपकी किडनी फेल हो जाए तो आपका ऐसा हो जाए तो आपका कोई ना रहे तो आपको कई दिन भोजन न मिले तो आपको संसार निंदा करने लगे तो इनमें सब में परिपक्व करना यह हमारा कर्तव्य है हो परिपक्व होना अपने लोगों का कर्तव्य है अब साधक व्यथा तो होगी थी गलित कुष्ठ का मतलब अभी तक तो मेरी दृष्टि में इसमें कोई भी औषधि का योग नहीं देखा था अब नया चल पड़ा हो तो नहीं कहते जैसे किडनी फेल होने का मतलब है मृत्यु लेकिन अब डायलिसिस चल पड़ा है उससे जब तक जी लाए तब तक जी सकते हैं जब तक योग है तो कल इसी सीढ़ी पे बैठकर कर समझाए शो कदापि शोक रहे क्योंकि अंतिम फाइनल श्री जी की प्राप्ति होनी है तो अनंत जन्मों के पापों का योग होता है ध्यान रखना जो भगवत ऐसे, ऐसे नीच पाप करने वाले हैं जुखाम नहीं होता वो ऐसा सीधा साधक है कि कभी कोई शब्द सुन पाए तो मुश्किल है वो ऐसा सीधा साधक है रात दिन अपने संयम में और उसको गलित कष्ट हो ये बड़ा विचित्र खेल है पूर्ण धर्म से चलने वाला पूर्ण त्यागी पूर्ण भगवत मारी इतना भी कहीं अपराध की संभावना नहीं किसी से कोई मतलब ही नहीं कोई जानता ही नहीं और उसको गलित कुछ ये क्या है अनंत जन्मों का हिसाब बराबर श्री जी के पास जाना है श्री जी के पास जाना है रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कहश भयानक पीड़ा का हर समय संयोग किस लिए अंतिम जन्म है अब जाना है मुझे लाडली जी के पास जाना है तो जितना हिसाब किताब बराबर फटाफट बराबर होता है तो संसारी आदमी डरता है भक्ति भक्ति में में मरना होता है सड़ सड़ के और ऐसे 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 कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा गलित कुछ कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा सभा में कह रहे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा प्रारब्ध ही तो है ना पूर्व पाप राधा नाम से बढ़कर प्रारब्ध होता है क्या है कुछ नहीं कल सब है कुछ नहीं सियार नहीं पैदा होते सिंहों के सिंहों के सिंह ही होते हैं हरिदास सिंह होता है गर्जना करना हमारा कर्तव्य है एक गर्जना में लाखों का कल्याण होता है एक नहीं शरीर भाव से ऐसे संतों को देखा है बरगदिया बाबा पैर से सड़ना शुरू हुआ कीड़ा पड़ गया मुख तेज में और शरीर में कीड़े बैठे शांत भाव से कीड़े पड़े हुए सर क्या अंतिम जन्म खत्म खेल ये बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में आता है यदि आप भगवत मार्ग में अभी एक दो दिन पहले कहा था यदि बैलेंस बना के चलोगे तो कोई बाधा नहीं क्या राधा 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 लड़का बच्चा परिवार भोगसा और जो अगर इसमें आ गए कि आपसे कुछ नहीं चाहिए केवल आप चाहिए फिर तो हिसाब किताब लंबा पड़ जाएगा क्योंकि उनके गले लगने के लिए फिर कोई कर्म संस्कार नहीं बकाया रहेगा पूर्व संचित क्रियमाण प्रारब्ध सबका विध्वंस होगा अब विध्वंस का खेल मचेगा तब सच्चिदानंद के गले लगोगे तभी कहा नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाटिया में पग पीछे धरे प्रथम शीर्ष दे काटिये आज भी आप जीना है तो कष्ट में जीना है पूरे शरीर में या 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 सब शुरू हो गया इसलिए घबराना नहीं है सुनकर के कि भगवान की प्राप्ति का मतलब है गलित कुष्ठ रोग हो जाना किडनी फेल हो जाना ये। तो और सब अमरत पी रहे हैं क्या आप देखो अस्पताल बड़े बड़े भरे ये आखिरी जन्म है भक्त का इसलिए बहुत जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास रहोगे तो डरोगे नहीं सत्संग सुनते रहोगे ना तो तुम डरोगे नहीं नहीं तो डर जाओगे इसीलिए जल्दी कोई श्री कृष्ण से मिलना नहीं चाहता ये बड़े खिलाड़ी हैं यहां लगन लगन सब कोई कहे लगन कहा वैसे जा लगन में तन मन डारे खोए ए आपसे प्यार किया है नरक भेजो, अब इन धमकियों से हम डरने वाले नहीं वह आपको दौड़कर गले लगाएंगे यही लगाएंगे दे आप भी नहीं रोक सकते बोले इतना गरज कर कैसे बोल रहे गुरु ने मंत्र दिया है, हमको इनको वश में करने का ये जो मंत्र है जानते हो इसे क्या कहते हैं निज मंत्र निज मंत्र वो मंत्र जैसे हाथी को अंकुश वश में कर लेता है ऐसे हरि को मंत्र वश में कर लेता है गुरु मेहरबान हो गए चेला पहलवान हो गया अब हरी भी नहीं रोक सकते अपने मिलने से अब हरी भी नहीं रोक सकते अपने मार्ग में क्यों गुरु ने हा बस गुरु के वटिया से मिले रहना कुछ लेना न देना मगन रहना निश्चित पार हो जाओगे सुना था एक राधा कुंड के भगवान संत की चर्चा में कि गलित कुछ आया कहा बारह वर्ष का हाँ तो अपने लोगों के पास नहीं आएगा अपने लोगों के पास ऐसे आता है पूरा आके चढ़ बैठा और जब चढ़ बैठा है तो राधा के लिए कुंज का स्वरूप वो जानता नहीं है स्वागत उसका बढ़िया होगा कुछ नहीं होगा देख लेना हम क्या कह रहे कुछ नहीं होगा देख लेना क्या होगा श्री जी गले लगाएंगे संसार क्या करता बोले सियात कुटुम्बम किमिम तथो दुर्दशाहा दुर्दशा देखकर परिवार के लोग भी हट जाते हैं पक्का ये खूब देखा है दो चार दिन वाली प्रियता बात अलग है या बहुत बहुत जननी थोड़ा प्यार फिर इसके बाद कोई प्यार नहीं करता संसार में पक्का आप लोगों को भूल भुलैया में फंस रहे हो इसलिए ऐसा लगता है नहीं अपने जीवन में देखा है और पक्की बात है कोई प्यार नहीं करता अगर कोई प्यार करता है तो भगवान अगर कोई प्यार करता है तो भगवान जिससे प्रेरित करते हैं वो अन्यथा नहीं दुर्दशा कि मेरी दुर्दशा हो जाए तो अभी मेरा क्या जब कोई होता है तो उसमें बैठकर वो बोलते हैं और जब कोई प्रगट में नहीं होता है तो वो स्वयं बोलते हैं तो धन्य है उसका जीवन कि जब शरीर दुर्दशा में हो और कोई प्रगट में पास ना हो तो ये लाड़ीले दोनों खेलते खेलते आ जाते हैं प्रिया प्रीतम और बात करते हैं। ये कथा नहीं कह रहे ये व्यथा कह रहे हैं हृदय की जब व्यथा उत्पन्न होती तब कथा की रचना होती तब तो उसकी जीवनी की रचना होती है दुर्दशा मांगो मांगो कि कोई हिम्मत है किसी की कि प्रभु मुझे ऐसी दुर्दशा दे दो जिसमें आपके सिवा कोई भी ना हो और ये संसार जिस कमरे में आप होगे उस कमरे की खिड़की में भी नहीं झाकेगा कि कहीं ऐसे ना कह दे बुला न ले पक्का खूब अच्छे से देखा है खूब अच्छे से देखा है ये बात बहुत इसलिए रुक रुक के कह रहे हैं कि जीवन में सबके आता है सब दिन ना एक समान एक दिन तुम सुख से इतराते हुए छाती फुलाकर अभिमान से डोल रहे हो जब तुम्हारे कर्म का परिणाम आएगा तो छाती फुला के फिर सहने की ताकत नहीं होगी इसलिए अभिमान मत करो पाप मत करो पीछे का हिसाब ही इतना है लाखों बार जन्म ले तो भी हम नहीं भोग पाएंगे उसको मिटाने के लिए मानव देह मिला है खूब नाम जप करते हुए उसको मिटा दो सेवा शन से आदि यदि किमु त्रील वृंदावने हम अगर मेरी ऐसी शरीर की दुर्दशा और सेवा नहीं बन पा रही भगवान की तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि मैं पड़े पड़े रोते हुए उनकी सेवा करूंगा एक होती सामग्री से सेवा और एक होती रुदन से सेवा तो यहां कह रहे हैं सेवाधीश्य न से यदि किमी तथा स्त्रील वृंदावन हम अब हमसे प्रगट सेवा भी नहीं हो पा रही तो मुझे क्या क्योंकि मैं हूं तो ना उनका ये ये देखो ये हिम्मत ये निष्ठा बहुत जरूरी है ये इसलिए कि आज आप स्वस्थ हैं आप परिक्रमा दे सकते हैं सेवा कर सकते हैं कल ऐसी भी स्थिति आ सकती तो क्या कभी कभी सोचते थे जब रात के आठ बजे स्नान कराते थे श्री जी को हिम्मत बनाई रात्रि तक उठ पाए श्री जी को स्नान करा रहे धीरे से जैसे बना तब तो सोचते थे श्री जी आपकी सेवा कैसे होगी आज हमारे तो दो हाथ नहीं सेवा कर पाते लेकिन आज सैकड़ों हाथों से श्री जी को दुलार हो रहा है ये उनकी उनकी महिमा सब नव अवस्था के सब पढ़े लिखे संत जो अपने जीवन को संसारिक उन्नति में चढ़ाना चाहते थे बड़े बड़े सर्टिफिकेट डिग्रियां लिए हुए हमारे श्री जी की सेवा में लगे हुए हैं और ऐसे मनोयोग से लगे हैं पूछो मत भगवान सदैव कृपा करते रहे हमारी लाडली डीजू की सेवा में ऐसी इनकी रुचि बनी रहे कभी कभी जब श्री जी को श्रृंगारित देखते हैं इन सबका प्रयास देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी एक एक वृत्ति जो सेवा की थी वही इनके रूपों में आकर के विराजमान हुई है जैसा हृदय से चाहते थे भावना में करते थे वही प्रगट में आज सेवा हो रही है अगर शरीर से सेवा भी न बने तो हमें क्या क्यों मैं आपका हूं आपके निमित्त पड़ा हूं यथाश्यं धैर्य ये बहुत बढ़िया हाँ श्लोक भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे हैं बहुत जोर की बात इस श्लोक में कह रहे हैं जैसी भी परिस्थिति रखोगे मैं धैर्य नहीं छोड़ूंगा ए हरि आपसे है आपसे जैसी परिस्थिति देना चाहो दे दो क्या लोक में स्वच्छंद निंदा कराओ लोग अपमान कर दे तिरस्कार कर दे तो भी मैं दीन नहीं होऊंगा। दीन का मतलब हाय हाय अब हमारी सब निंदा करने वाले कोई हमारा नहीं ऐसा कभी नहीं होगा यदि हमें कुटुंब परिवार छोड़ दे शरीर हमारा दुर्दशा को प्राप्त हो जाए प्रगट में सेवा भी ना कर पाऊं, तो भी धैर्य मम निज परमाभी सिद्धिर भवत्रे मेरे को भगवत प्राप्ति से अब कोई नहीं रोक सकता क्योंकि मेरा धैर्य है कि मैं प्रभु का हूं हमारे माई श्यामा जू को राज अब इसी से भगवत प्राप्ति होगी पक्का होगी यही हम कई बार समझाना चाहते थे जो आज इस श्लोक में निकला है कैसी भी परिस्थिति हो भजन बिना बने तो भी भगवत प्राप्ति होगी बोले भजन के बिना भगवत प्राप्ति कैसे होगी भरोसे में भरोसे में आगे पड़ा जटाई देखा सुमिरत राम चरण की रेखा भगवान के चरणों मानो दुर्दशा है शरीर की कोई पास नहीं नाम से कोई साधन बन रहा है ना कोई भजन भारी पीड़ा है तो भजन भी नहीं बन रहा है तो क्या बस आशा है आप भरोसा है आपका कि आप बड़े कृपालु हो आप अपनी कृपा से मुझे मिल जाओगे अपने समीप बुला लो पक्का श्री कह रहे हैं कह रहे निज परमा सिद्धिर भवित्री हमारा जो अभिष्ट था भगवत प्राप्ति वो पक्का हो जाएगी बस क्या धैर्य मम मेरा ये धैर्य विचलित ना होने पावे कुछ भी हो जाए देखो इसमें यह नहीं देखा जाता कि इस समय इसकी परिस्थिति क्या है हमारे प्रभु ये नहीं देखते वही तो देते हैं वो ये देखते हैं इस समय इसकी स्थिति क्या है अंदर में जो हमने भरोसा पाला है जीवन में वो कभी कहीं भी नहीं छूट सकता हम माने कि नाम जप नहीं हो रहा पाठ नहीं हो रहा माना कि हमसे सेवा नहीं हो रही माना कि हमारे अंदर कोई अब भागवतिक विचार भी नहीं रह गए लेकिन ये जो एक झीना सा धागा है कि मैं श्री जी के भरोसे हूं इसको कौन तोड़ सकता है इसी से भगवत प्राप्ति होती है इसी भरोसे से ब्यास भरोसे कुंवर के सोवत पसार तो मैं निश्चिंत होकर पढ़ाऊं मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी जो श्रीपाद पाद करे मम्मिज परमाभिष्ट सिद्धिर भवित्री बहुत जोर की बात है हार उपासक के लिए ये अध्यात्म की चरम सीमा की स्थिति की बात है इस पर विश्वास कर लो अगर कर पाओ कैसी भी परिस्थितियों में श्री जी का हूं श्री जी का ही रहूंगा चाहे कितना भी कष्ट आ जाए निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी निश्चित आपको वो परम सिद्धि प्राप्त होगी जो किसी साधना से नहीं प्राप्त होती है जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक कचाई न रखो कल चर्चा हो रही थी काचे धर्म की उसमें जो शेष है उसको श्रवण करो तो कच्चाई दूर हो जाएगी तो निष्ठा आ जाएगी सच्चाई धैर्य आ जाएगा श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि जब आपने शरणागति हरिवंश चंद्र जी की ले ली ध्यान से सुनिएगा लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं रहती हैं इनका त्याग कर दो गीताजी में भगवान ने कहा ये यथाम प्रपद्यंते भजाम हम मुझे जैसे जो बजते हैं मैं उनको वैसा ही भजन में अनुभव हो अब आप प्रभु को पत्नी रूप से बज रहे हैं तो वही बैठे हैं तुम्हारे पास तुम्हें समझ में नहीं आ रहा पुत्र रूप से बज रहे हैं तो पुत्र रूप में वही बैठे हैं ये था माम प्रपद्यंत इसको बहुत सरलता से देख लो आप जिस रूप में प्रभु को देखना चाह रहे हैं वही रूप प्रभु दिखा रहे हैं अब हम निकुंज उपास हैं हमारी उपासना का एक विशुद्ध मार्ग है क्या विशुद्ध मार्ग है जिसमें हमारे आचार्य और रसिक महापुरुष गए हम उसी मार्ग के पथिक हैं हमें बाहरी उपदेश नहीं सुनना क्या बाहरी उपदेश आज तो अमुक व्रत है आज ऐसा है आज ऐसा है देखो बहुत शास्त्रों का सम्यक आराधन करके बोल रहा हूं यह ना समझो कि मुझे पता नहीं जैसे किसी का प्रश्न आता है कि बिना तुलसी के ठाकुर जी का भोग नहीं लगता ये जानते हो कहां आता है जहां चरणों की उपासना है खूब विशुद्ध भाव से इसका मूल जड़ तक चिंतन करने वाला ये भाव है कोई ऐसा ना समझना कि बाहरी तुलसी जी कौन है वृंदा कौन सी वृंदा यहां वृंदावनेश्वरी की सखी वृंदा सखी नहीं ध्यान रखना ये वृंदा सखी नहीं अधिष्ठात्री हैं अनादि वृंदावन अनादि वृंदा सखी ये वो वृंदा जो नारायण को पति रूप में बनाना चाहती थी तो देवर्षि नारद जी आए और कहा देवी नारायण को ऐसे तुम पति रूप में नहीं बना पाओगे पहले तुम्हारे पातिव्रत धर्म की परीक्षा होगी बोले देने के लिए तैयार हूं बोले एक व्रत तुम्हारा पातिव्रत यदि पास हुआ तो नारायण तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे बोले तथास्तु आप हमें बोलिए किसके साथ में अपनी आराधना का स्वरूप प्रकाशित करूं उनका जालंधर राक्षस इसको पति बनाना होगा और तुम्हारे पातिव्रत से त्रिभुवन में पता चलना चाहिए कि तुम्हारे जैसी कोई सती और पतिव्रता नहीं बोले जैसा आप आदेश करेंगे ऐसा जालंधर राक्षस पति रूप में वर्ण किया और ऐसा सतीत्व तो पूरा चरित्र है त्रिभुवन में कोई उसका बाल बांका भी नहीं कर पाया सती वृंदा के पवित्र चरित्र और उनकी उपासना के कारण भगवान शंकर आदि बड़े बड़े देवताओं ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया जालंधर का कुछ नहीं बिगड़ पाया भगवान श्रीहरि से प्रार्थना की भगवान श्री हरि ने कहा ऐसे नहीं मारा जा सकता इसका मूल है वृंदा अगर उसका तो भंग हो तो मारा जाएगा तो बोले नाथ आप ही इसको देख सकते हैं तो उन्होंने कहा मुझे ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए उसने तपस्या की थी मैं जा रहा हूं नारायण रूप से नहीं गए छल किया जगत मंगल के लिए उस दैत्य को मारने के लिए भगवान उसका रूप धारण किया जालंधर का जब सतीत्व भंग हुआ तब उसे होश आया उसने कहा मेरे पति जैसी चेष्टा नहीं कौन हो तुम क्योंकि आप में असीम सामर्थ्य असीम सौंदर्य असीम सुख मेरे पति नहीं हो सकते क्योंकि मैं जानती हूं कौन है जालंधर राक्षस आप वो नहीं हो आप कौन है अपने रूप में भगवान <coughs> तो उन्होंने कहा माना कि आपके लिए ही तप कर रही थी लेकिन इस समय मेरा पति जालंधर अब मैं मानती हूं मारा जाएगा क्योंकि मेरा तप नष्ट हुआ तो मैं आपको शाप देती हूं आप रूप हो जाए तो नारायण सालिग्राम बन गए तो कहा मेरे लिए ही तूने तप किया था नारद जी ने तो तुझे पार्थिव धर्म की परीक्षा के लिए जालंधर को व्यर्थ में मुझे साफ दिया इसलिए मैं साफ देता हूं तो तुम वृक्ष रूप हो जाओ वही तुलसी जी का वृक्ष तो बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो शालीग्राम की सेवा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब तुलसी जी होंगी और वही पद्धति वैष्णव जनों ने अपनाई भोग की लेकिन हमारे यहां हमारे यहां प्रिया और लाल और सब सहचरिया हैं तो यहां वो वृंदा नहीं है यहां वृंदावनाधीश्वरी की नित्य सहचरी वृंदा जो वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी तो वृंदावन नादी और वो देवी अनादी दे। तो यहां तुलसी जी का प्रवेश चरणों में है ना कि भोग में है चरणों पे तुलसी जी चढ़ाई जाती है और यहां महारानी की जय बोली जाती है और किसी की जय नहीं बोली जाती कि आज अमुक व्रत की जय अमुक नहीं, यहां, मेरी महारानी श्री राधा रानी जाके बल में सबसो तोरी लोक वेद कुलकानी ये वृंदावन है ये वृंदावना प्रेम रंग को प्रदान करने वाली लाल को अधीन करने वाली महान जिनकी चरण रज में अनंत शक्ति विराजमान उन स्वामिनी की शरणागति है तो लय उपदेश कहा अनन्य अनहाय अनर्पित जाय घटक कथ हमें किसी और की नहीं सुननी भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना हमारी जो श्री जी की उपासना है भगवत रसिक जी महाराज ये सब स्वामी हरिदास जी महाराज के जो निज चरण सेवक हैं जो हरिवंश महाप्रभु जी के निज चरण सेवक हैं हरिराम व्यास जी तो शिष्य महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के उनके जो निज चरण सेवक हैं और जो भी निकुंज उपासियों सब प्रिया चरण प्रधान होते हैं भगवत रसिक जी कह रहे नवल किशोर उपासना जुगल मंत्र को जाप जुगल मंत्र को जाप वेद रस्कन की वाणी शिव वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध होय न कारज भगवत सब सुखदान दान प्रगट भये रस काचारज यदि आप हरिवंश धर्म में जुड़े वृंदावन में जुड़े राधा नाम से जुड़े नित्य विहार रस में जुड़े इसलिए इष्ट मिले और मन मिले मिले भजन रस रीति ताह निसंग मिलिए तासों कीजिए प्रीति अब ध्यान दीजिए अपनी उपासना के रंग की अगर आप शरणागत हो चुके तो पहला नियम है कि बिना श्री जी को अर्पित किए बूंद पानी भी नहीं जाना चाहिए जिब्या में और बात तो दूर हमारी बात को समझना हम कहते पहली बात तो ऐसा कुछ ना पिए खाए जो हम श्री जी को भोग नहीं लगा सकते अगर आपकी औषधि चल रही है आपका वृद्ध शरीर है आप ऐसे लेते हैं नाम जपते हुए पीले पर पहले राधा वल्लभ लाल की जय भावना में अर्पित कर दो जल है एक तो जब भोग लगाते हो आठों पैर तो जल होता है उसको आप पात्र में रख करके फ्रिज का एक हिस्सा ऐसा रख सकते हो जो प्रसादी हो और एक अमनिया कर सकते हो तो वो जो प्रसादी जल है वही पीने के प्रयोग अगर आप ऐसी जगह हैं आपको ये सुविधा नहीं मिलती अष्ट अष्ट के प्रसादी जल की तो जब पिए तो राधा वल्लभ लाल की जय और एक मिनट भावना करें हे प्रभु मेरे हृदय देश में विराजमान होकर आप जल पान कीजिए जल पीजिए ऐसी कोई वस्तु खाइए पिए नहीं जो प्रभु को अर्पित नहीं की जा सकती कुछ लोग ऐसे काचे धर्मी के लय उपदेश कहा अन्य अनहाय अनर्पित जाय गटकत शरणागत हो गए उनको पता ही नहीं है जहां जो देखा वो वहां खरीदा और खा रहे ये तो देखी बात है माला यहां टंगा है हम पीछे बता भी चुके बड़ा पश्चाताप होता है आप वैष्णव हैं और गोलगप्पा दोना में लिए हैं ऐसे यहाँ टपक रहा है गोलगप्पा माला के ऊपर जा रहा है मान लो माला का आप महत्व तो नहीं समझते माला साक्षात श्री जी में है क्योंकि उससे हम नाम जब करते हैं ऐसा नहीं करते अगर आपको ऐसे कुछ पदार्थ पाने हैं नहीं आपकी जिभ्या रुकती तो हम कह रहे खरीद लो पात्र में रख लो कुटिया में जाओ श्री जी को भोग लगाओ थोड़ा नाम कीर्तन करो फिर उसको मर्यादा से पालो आप वैष्णव हो बाजार में खड़े खड़े कंठी तिलक लगाए अच्छा लगता है आपको अब एक कंठी तिलक लगाकर इसकी मर्यादा की भी तो रक्षा करो लय उपदेश कहा अनन्य अनहाय अनर्पित जाए गटकत अब यह नहीं होगा कि सुबह सुबह उठे बेड टी पी रहे हैं नहीं तो कोई भक्ति नहीं रहेगी पहले उठो नाम रस पियो गुरुजनों का नाम महापुरुषों का नाम स्मरण किया कुछ देर इष्ट का नाम स्मरण किया फिर भूमि को प्रणाम किया सब भक्तों को प्रणाम करके हे प्रभु आज का दिन हमारा बड़ा मंगलमय आपके स्मरण में, में जाए ऐसी प्रार्थना की फिर आप सोच स्नान आदि क्रिया करके प्रभु की मंगला करके फिर उनको भोग लगा करके फिर जो ऐसे ऐसे तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी लेकिन पशुता बढ़ रही है पशुता बढ़ रही है आस करें के आगे जो जो देखे में जो रत हाथ लग पहली गलती बिना भोग लगाए लगा वैष्णव होकर भी शरणागत होकर भी बहुत सावधान बिना प्रभु को पवाय पा नहीं सकते कुछ भी नहीं हर कर्म प्रभु को समर्पित करना है आज जब तुम कंठी बंधवा लिए दीक्षा ले लिए तो तुम्हारा कोई कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जो प्रभु को समर्पित ना कर सको कोई पर्दे के डाल करके कार्य करने वाला कि नहीं प्रभु देव पर्दा खोल करके हर कार्य आपके सामने होगा आपके लिए होगा हमारा जीवन अब पर्दे में नहीं है बेपर्द है आपके सामने कभी संकोच ना करो प्रभु से प्रभु सब कुछ देख रहे हैं लेकिन वो संकोच करो जो प्रभु को हम समर्पित नहीं कर सकते वो कर्म वो खान पान आश करें विषयिन के आगे जो देखे देखें जोरत हाथ लटक चाहे गृहस्थ शरणागत हो चाहे विरक्त शरणागत ये विषय पुरुषो से तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति नहीं होनी कामनाओं की पूर्ति श्री जी से होनी बने तो रघुवरते बने बिगरे तो भरपूर तुलसी और अंतें बने ता बन बे पे धूर ये सिद्धांत पकड़ो दूसरे के आगे घिघियाने की जरूरत नहीं है चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो श्री जी हैं बहुत समर्थ हैं अगर उनका विधान है कि मैं ऐसे दुख में जीवन को व्यतीत करूं तो मुझे किसी से सुख नहीं चाहिए और अगर उनका विधान है कि ऐसे सुख में जीवन से तो मुझे कोई परवाह नहीं केतिक आयु केतिक जीवन काहे विनाशत काज हटकत ए तुम्हारा काज है भगवत प्राप्ति कितना जीवन है तुम जो दूसरों के आगे हाथ जोड़ रहे हो धन के लिए भोगों के लिए नहीं कितना जीवन है दूसरे की आस कर रहे हो अरे लाडली लाल के चरणारविंद की महिमा तुम्हें तो पता नहीं है प्रणत काम दम पद्मजार्जित धरणी मंडनम धेयमापद ये लालजू के चरणारविंद प्रणाम करने वालों की समस्त कामनाओं को पूर्ण हमारी श्री जी चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरी राम गोरे चरणारविंद में जिसने माथा रख दिया उसके समस्त चिंतित भावों को पूर्ण करने वाली एक है साकत संग अगिन लपट लपट जरत क्यों संगति की जय साकत दो भाव से अर्थ होता है एक होता है जो गुरु मंत्र नहीं लिए मनमानी आचरण करते हैं उन्हें साकत और दूसरा कहते हैं जो बकरे की बलि चढ़ाते हैं शराब पीते हैं और कहते हैं हम माता जी की उपासना करते हैं बोले इनका संग आग की लपट से खेलना है अर्थात सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे वैष्णवता नष्ट हो जाएगी अगर ऐसे लोगों का संग करोगे साकत संग अगिन लपट लपट्ट जरत्य संगति की जाये सावधान अब देखो कहा वैष्णव धर्म के पालन की वो वृत्ति रह गई बड़ा विचित्र है अगर वैष्णव उस परिवार में नहीं तो उस परिवार का अन्न नहीं खा सकते चतुर्भुज दास जी जिस गांव में वैष्णो नहीं होता होता उस गांव का पानी नहीं पीते थे भगवान का कंठी तिलक धारण करने वाला कोई इस गांव में है नहीं तो उस गांव में रुकते ही नहीं थे चले जाते थे जो गुरुमुख नहीं है उसके संघ का क्या स्वरूप बताया है साकत संग अगिन्य लपट लपट जरत क्यों संगति की जाए नहीं एक बार चतुर्भुजदास जी किसी राजनगर में प्रवेश हुए तो देखा एक आदमी आर्त भाव से रो रहा था और और बैंड बज रहे थे ढोल बज रहे थे उसे लोग बंदी बनाए हुए थे अपने ठाकुर मुरलीधर को लेकर पूरी मंडली के साथ चलते थे चतुर्थ बड़े ही महापुरुष थे बड़े ही बलशाली महापुरुष थे उन बोझा ये क्या है ये सब उत्सव मना रहे आदमी रो रहा है इसको बंदी बुलेस की बलि चढ़ाई जाएगी देवी में बोले तो कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बच्चों को खाती है और प्रसन्न रहती है देवी का मंदिर सामने ही था बोले चलो राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंशंद चल रहा था कीर्तन पूरी मंडली का सेवक जी के मित्र श्री दास जी सेवक जी हरिवंश से महाप्रभु के अनन्य निष्ठ और ये आकर वृंदावन में बंचंद महाप्रभु से दीक्षा ली थी बड़े ही अद्भुत महापुरुष दोनों दास जी गए और देवी देव सा, में ठाकुर मुरलीधर देवी जी सामने सिंहासन में उनका कैसी तो मां है अपने बच्चों की बलि स्वीकार करती हो प्रसन्न मुद्रा में बैठी हुई है निकल बाहर ऐसे ही शब्द थे तो हवा में ऐसे देवी के विग्रह बाहर आ गया और बैठाला ठाकुर मुरलीधर जी को और देवी से कहा कि जिनकी शक्ति से आप शक्ति संपन्न हैं थर थर कांप रही थी देवी पढ़ लेना भक्तमाल में चतुर्भुजा जी का चरित्र और ने माल में उनका जिसकी शक्ति से शक्तिमान हो आज से तुम तुम्हारे सिंहासन पर वो बैठे हैं आज के बाद अगर किसी बकरा की बलि मुर्गा की बलि आदमी की बलि चढ़ी तो आप समझ सकती हैं थर थर कांप रही थी देवी कहा जाओ यहां के राजा को आदेश करो आज के बाद यहां कोई बलि नहीं रात्रि में राजा को गए उठा के पटक दिया छाती में लाकर रखा दिव्य रूप और आज के बाद अगर बलि चढ़ी तो तेरी बलि चढ़ाऊंगी पूरा शासन कर दे किसी भी पशु पक्षी की बलि अब मैं बैष्ण हो गई हूं देवी ने कहा चतुर्भुज दास जी ने ठाकुर जी को के कंठी बांधी देवी के गले में और चेला बनाया चेला बनाया देवी को पढ़ के देख लेना तो कहते साकत संग अगिन्य लपट लपट जरत क्यों संगति की जय जो ऐसी उपासना करते हैं या जो उपासना से रही तो दुष्ट स्वभाव वाले आग की लपट इनकी संगत मत की जाए तो संगत किसकी करें बोले साधु सुबुद्ध समान शीतल संगत की जाए जो समता को प्राप्त और भगवत प्रेम को प्राप्त महात्मा ऐसा समझ करके जान करके ऐसे महात्माओं का संग करो किन महात्माओं का संग करना चाहिए जो समता को प्राप्त है किन महात्माओं का संग करना चाहिए जो? जो भगवत प्रेम को प्राप्त है तो पहचान क्या है भगवत प्रेम प्राप्त महात्मा की जिसकी बुद्धि में धन का महत्व तो नहीं है कामिनी का महत्व तो नहीं है और कीर्ति का महत्व तो नहीं है वो भगवत प्रेम को प्राप्त करने की योग्यता वाला महात्मा होता है जिसको जो किसी भी पक्ष में नहीं पूरा विश्व उसका है उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम एक ही परमात्मा तत्व तो सर्वत्र विराजमान है वो समान सुसंतन वो बुद्धि रखने वाला महात्मा है बोले साधु सुबुद्धि समान सुसंतन जान के शीतल संगत की जय इनका संग तुम्हें शीतलता प्रदान करेगा परम श्री जी के चरणों तक पहुंचाएगा बोले एक जो काचे प्रकृति विरुद्ध प्रकृति विरुद्ध करे तो का कीजे? और जे आगे के दाजे गए भजी पानी में पानी में आग लगे तो क्या कीज सेवक जी महाराज बहुत बढ़िया मर्डन कर रहे हैं बोले एक ऐसे हैं जिनका स्वभाव ही विरुद्ध वैष्णव धर्म के विरुद्ध आचरण मनमानी आचरण करते हैं अब जब इनका स्वभाव ही विरुद्ध तो लाख समझा समझने वाले नहीं हो अपने मनमानी आचरण करते हैं और तिलक भी लगाए हैं कंठी भी लगाए मनमानी आचरण करते हैं बहुत प्रपंच की बातें करते हो अगले जन्म में ये जबान ही हटा दी जाएगी जब वर्षा ऋतु तो होती तो देखो निकलते एक जबान वाले टर 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 कोई मतलब नहीं है नहीं जे नहीं ही राम गुण गाना जी, है जी है समाना। जिनकी जी भगवान की चर्चा नहीं करती अगले जन्म में हटा दी जाती और जानते उनको क्या जाता मेढक बोलटर टर दिन भर लगा रहे कोई स्वर्व नहीं कोई व्यंजन कोई भगवत चर्चा नहीं तो एक जो काचे प्रकृति विरुद्ध प्रकृति विरुद्ध करे तो काकी जय और एक आगे के दाजे गए भजी पानी में पानी में आग लगे तो क्या कीजिए संसार की जलन से बचने के लिए वैष्णव धर्म को स्वीकार किया संतों के बीच में और यहां भी आकर वही आग लगा दी राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या की अगर बाहर से जला हुआ पानी में पहुंच जाए तो शीतलता मिलती हो पानी में आग लग जाए तो फिर कहां भाग के जाएगा संसार से भाग के संतों के बीच में आए हो तब होश में हो जाओ यहाँ आग मत लगाओ ये जो काचे प्रकृति के लोग होते हैं ये आगे के दाजे गए भाजी पानी में पानी में आग लगे तो का बचना ये लोग आग लगा के सेकने वाले होते हैं परमार्थ में चलाना बहुत कठिन है परमार्थ से भ्रष्ट करा देना बिल्कुल सरल बात है कच्चे परमार्थियों को भ्रष्ट करने के लिए बहुत समर्थ है कुसंग जे आगे के दाजे गए भजी पानी में पानी में आग लगे तो काकी जय भाई होश में संसार की जलन से बचने के लिए संतों के बीच में अगर यहां प्रपंच करोगे यहां उदंडता करोगे यहाँ आग लगाओगे अपने हृदय में तो शीतलता कहाँ प्राप्त करोगे प्रीति भंग बर्णत रसरी तय श्रीहरिवशन वचन विशरावहु आप अपनी ठोर जहां तहां कर विरुद्ध सब पे निदरावहु कह रहे हैं प्रेम धर्म के शरणागतों से प्रार्थना है कि आप जहां जुड़े हो उसी धर्म का पालन करो उसी धर्म से प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होगी बाहरी के उपदेशों से नहीं बाहरी उपदेश सुनोगे तो तुम्हारे हृदय में चोट पहुंचेगी निंदा करने वाले लोग बहुत हैं एक दूसरे के धर्म की निंदा एक दूसरे आचार्य की निंदा एक दूसरे की भक्ति की निंदा यह सब बड़ा विचित्र माया का प्रपंच है तो कह रहे एक संसार दुष्ट की संगति ताहू में तुम पुष्ट कराओ विनती करो सकल धर्मिन सो धर्मी हो जिन नाम धराओ हे हित धर्मी सबसे हाथ जोड़कर विनती है इस संसार में दुष्टों की कमी नहीं है तुम दुष्टों का संग करके अपनी दुष्टता को पुष्ट मत करो प्रियाजू ने बढ़िया अवसर दिया है उनकी गोरे चरण अरविंद की शरणागति के प्रभाव से माया पर विजय प्राप्त कर लो तुमसे विनती करता हूं धर्मी होकर के नाम मत धराओ तो क्या करूं बहुत ध्यान से सुन लो फिर विश्राम हो जाए क्या करूं तजी गुरु गुरुचरणन भजी गुण नाम सुन कथी संतन सो संग करी काल ब्याल मुख पर कफ बात पित्त भर भ्रम्यो कत अन्य कहे की जिय लाज धरी स्वार्थ का त्याग कर दो यदि तुम्हें रसिकों का संग मिला है तो स्वार्थ का नहीं परमार्थ की पुष्टता करो और देखो जब प्रेम में तुम्हारी गति होगी तो फिर व्यवहार परमार्थ दोनों छूट जाए इसकी परवाह नहीं होती परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो पर पहले स्वार्थ का त्याग कर परमार्थ पर दृष्टि रखो हमें भगवत प्राप्ति हो इस जन्म में इसलिए संतों का संग पूर्वक नहीं करना चाहिए एक आए महाराज टांग बहुत दर्द करती नहीं हम क्या करें भाई नहीं संतों को क्या समझा तुमने जादू समझा क्या क्या डॉक्टर समझा? अरे एम डी पी एच ए जो पढ़े डॉक्टर है उनके पास जाओ भाई ये टांग वांग ठीक करने वाले नहीं है टांग खराब हो गई है टांग दर्द कर रही तो ले लो लकड़ी का वो आराम से उसके सहारे से चलो राधा राधा बोलो ये तो टांग जाएगी आज नहीं तो कल जाएगी संतों के पास जाओ तो स्वार्थ सकलताजी अब जब तक तुम्हारे अंदर दैन्यता नहीं है भाव नहीं है तो स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं यही दरबार दिन को आदर रीति सदा चली आई बोले स्वार्थ सकलताजी अब वो भी कहेंगे कि हम संत समागम किया है नहीं नहीं संत समागम नहीं प्रणिपात प्रश्नया प्रश्न या यदि दैन्य भाव नहीं कुछ गर्व है स्वार्थ सकल गुरु चरणन भज अगर हमें पहले पता हो ऐसे के प्रवेश ही नहीं हमें तो पता ही होता ला कि सामने कौन है प्रवेश ही नहीं नहीं यही दरबार दिन को वास्तविक अगर कोई दैन्य है तो गेट से जाके लिवा के लाओ आनंद पूर्वक लाओ और अगर दैन्य नहीं है तो दैन्य का नहीं के सिवा और यही दरबार दिन को आदर रीत सदा चली आई जी संतों से लाभ लेना है जीवन का लाभ लेना है तो पहली बात आगे के दाजे गए भजी पानी में पानी में आग लगे तो कहा कि संसार के अपराध करके भागे संतों की शरण में और संतों के आग लगाओगे अपराध करोगे वैष्णो अपराध करोगे तो तुम्हें कहां त्रिभुवन में सुख मिलेगा नहीं मिलेगा अरे भाई हमारे यहां परम पद का फारम भरा जाता है एम एल ए सांसद मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मंत्री प्रधानमंत्री भगवान के स्वरूप है राष्ट्र सेवा के लिए हमारे यहां जो है वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश के चरणारविंद की पदवी का फारम भरा जाता है अगर ये पदवी चाहिए तो आओ हमारा उद्देश्य है एक एक व्यक्ति का मानस पटल धर्मयुक्त हो सब अपने कर्तव्य का पालन करें तो हमारे पास जो भी आओ अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए आओ तुम भी राधा राधा जपो और अपने कर्तव्य का पालन करो हमारी शिक्षा यही है तुम जिस धर्म में हो जिस राष्ट्र के पद में वो भगवान का दिया हुआ पद है उस पद का तुम पालन करो तो हमारी समाज अपने आप आपको चयन करेगी वर्ण करेगी हमारे पास केवल परमार्थ का है और हमारे राष्ट्र सेवा की भावना की कि एक एक व्यक्ति यदि सतमार्ग में चलेगा तो हमारा राष्ट्र सुखी हो जाएगा अगर एक व्यक्ति को हम बदल पाए हमारी अपनी वृत्ति बदल गई तो वो दूसरे की वृत्ति बदल देगा वो तीसरे की वृत्ति ऐसे हमारा राष्ट्र पावन हो जाएगा हमारा केवल यही उद्देश्य है और यही उद्देश्य अंदर स्थापित करना चाहते हैं कि स्वार्थ सकल तजी गुरुचरणन भजी गुरुदेव के चरणों का भजन तभी होता है जब स्वार्थ का त्याग हो जाता है गुण नाम कथित गुण गाओ प्रभु और संतों का संग करो जिससे भगवत चर्चा सुनने को मिले काल व्याल मुख पर कफ पित्त बात भरे हो। रात दिन संसार के इन्हीं प्रपंच में फंसे अब तुम्हारे शरीर के जाने का समय शरीर नाशवान है काल ब्याल मुख पर कफ बात पित्त चाहे जितनी सर्जरी करा ले सर्जरी करा के सुंदरता की सीमा नहीं बनोगे ध्यान रखो है एक स्वरूप जो सुंदरता की सीमा के पास पहुंचा देगा भाव दे वो होता है आंतरिक सर्जरी से जो यहां के डॉक्टर नहीं करते गुरु जी करते हैं काम क्रोध लो मोह मद मत्सर इनको निकाल फेंका तो भाव दे की प्राप्ति हो गई किशोरी मानम उसमें पाउडर की जरूरत नहीं है किशोरी मातमानम कि सुकुमारीम मात कले श्री जी की सेवा में अब ये शरीर काल व्याल मुख पर कफवात पित्त भरोम कत अन्य कहे कि जे लाज धरी अये अन्य शरणागत हरिवंश सेवक गोरे के शरणागत स्वार्थ का त्याग करके गुरु चरणों का भजन करके प्रियाजू की प्राप्ति कर सेवक निकट प्रीति कुल कान सब परिहर काचे रस कंसो बिन्ती करत ऐसी गोविंद दुआई भाई नो जो सेवो श्यामा है तुम्हें भगवान गोविंद की कसम है यदि तुम हरिवंश सेवक हो तो श्यामा श्याम के अनन्य हो जाओ सेवक जी महाराज का कितना प्रेम है कह रहे हैं, काचे बिंती करते, एक कच्चे तुम्हारे हाथ जोड़कर बिनती करता हूं तुम्हें गोविंद भगवान की कसम है अपने गुरुजनों के नजदीक होकर रसरी सीखो प्रिया प्रीतम के दुलार करने की और सेवो हरी प्रिया प्रीतम का सेवन करके जीवन निहाल कर लो खूब नाम जप करो खूब श्री जी के यश चर्चा को सुनो गंदे विचारों का त्याग करो गंदे आचरणों का त्याग करो गंदे भावों का त्याग करो संतों के पास स्वार्थ युक्त बुद्धि से मत जाओ थोड़ी एक जगह तो रखो जहां चैन से बैठ सको वही कामना वही स्वार्थ वही शरीर वही भोग वही वासना अरे थोड़ा तो उपासना की जगह रखो एक जगह संत संग है जहां उपासना से सब कुछ प्राप्त हो जाता है तो खूब नाम जप करो भगवद आश्रित रहो कोई गंदी बात ना होने पावे जीवन में बस ये सावधानी रखो शेष चर्चा के लाल